नरवाना में चोर चुस्त और पुलिस सुस्त है। चोर आए दिन दिन दहाड़े वारदात को अंजाम देकर रफू चक्कर हो जाते हैं और नरवाना पुलिस FIR दर्ज करके कार्य की इतिश्री कर लेती है। आज दिन दहाड़े नरवाना के कहनाखेड़ा निवासी रणधीर PNB बैंक से 2 लाख रुपए निकलवाए और जब माल गोदाम रोड पर सामान लेने गया तो पलक झपकते ही नाबालिग शातिर चोरों ने मोटरसाइकिल पर टंगे बैग को ब्लेड की सहायता से काटकर 2 लाख रुपए उड़ा लिए और रफू चक्कर हो गए। सारी घटना CCTV कैमरे में कैद हो गई। चोरों के हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि शहर थाने से महज 100 मीटर की दूरी पर माल गोदाम रोड से किसान के थैले से 2 लाख रुपए उड़ा लिए और रफू चक्कर हो गए। इससे पहले भी पुलिस चौकी से महज 100 मीटर की दूरी पर 50,000 रुपए उड़ा लिए थे, लेकिन पुलिस आज तक कोई सुराग नहीं लगा पाई। मेरा नाम रणधीर सिंह है, गाँव कानाखेड़ा का रहने वाला हूँ, नरवाना। और PNB बैंक से मैं 2 लाख रुपये लाया था सामान खरीदने के लिए। मैंने थोड़ा सामान लिया, उसके बाद में मैं स्प्रे वाली दुकान पर आया, उसकी नाली लेनी थी। 2 मिनट के अंदर ही वो क्या नाम है मेरा थैले से बाइक से क्या नाम है थैला निकाल लिया। माल गोदाम रोड पर वो दुकान है और फिर उसी दुकान वालों ने CCTV कैमरे से देखा तो 2 बच्चे वो क्या नाम है थैला काटते हुए नजर आए। इसकी सूचना आपने किसी को दी? उसकी सूचना मैंने ऊटा ग्राउंड में चौकी वालों को दिया। वो आए फिर उसके बाद में SP साहब से फोन किया, SP साहब ने बोला आप क्या नाम है सिटी थाना में जाओ, मैंने वहाँ फोन कर दिया। खबर तहलका के लिए नरवाना से गुलशन चावला की रिपोर्ट। हरियाणा की तमाम ताजा खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा खबर तहलका YouTube चैनल और बेल आइकन दबाना ना भूलें।